Hello everyone, I am Anurag Pandey from Access Institute. Today in this video lecture we are going to study about photosynthesis. Photosynthesis of class 10th mein padhte hain, light process wale chapter mein. Light process kya hota hai? These are a series of actions. It is a series of actions which is essential for a living being to sustain. Yani kisi bhi living being ko sustain karne ke liye jo processes essential hote hain, un processes ko hum light process bolte hain. These processes include movement, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, रेस्पिरेशन यानी कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराना, और यहाँ पे क्या करना है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एनर्जी लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना. ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन सेल साइज एंड मास. रिप्रोडक्शन यानी कि इट इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू वंस. एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं. एंड न्यूट्रिशन यानी कि फूड इनटेक करने का जो प्रोसेस है यानी कि उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन. तो दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर एनी लिविंग बींग. किसी भी लिविंग बींग के लिए ये प्रोसेस जो है वो एसेंशियल प्रोसेस है. दीज प्रोसेसेस आर वाइटल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये क्या है, वाइटल प्रोसेसेस हैं. तो अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमको दो तरीके से देखने को मिलता है. पहला है ऑटोट्रॉफिक. ऑटो का मतलब होता है क्या, सेल. तो जो ऑर्गेनिज्म, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन. तो जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. यानी दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. दे मे बी फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी कि ये जो अपना फोटो मतलब ऑटोट्रॉफिक जो तरीका है फूड बनाने का, वो अगर उसमें सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ. यानी कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना न्यूट्रिशन बना रहे हैं, और जो प्रोसेस के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी दूसरे केमिकल से जो है वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो है क्या, कीमो ऑटोट्रॉफ. तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया, ये क्या है, ये बैक्टीरिया में भी स्पेशली साइनोबैक्टीरिया, ये जो है वो आपके ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. और ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आपके और हमारे इकोसिस्टम के लिए जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. तो पूरे इकोसिस्टम में जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो या तो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या फिर ये साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हेटरो का मतलब होता है अदर, हेटरो का मतलब हुआ अदर, ट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन. तो जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेंगे उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक. तो दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन. यानी कि ये जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो अपने फूड के लिए डिपेंड रहेंगे. और ये जो हेटरोट्रॉफिक है ये कभी कभी इनडायरेक्टली भी जो है वो आपके ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, यानी कि ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं. दे सो सैक्रोफिटिक, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, सैक्रोफाइट. पैरासिटिक, पैरा मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सिचुएटेड है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट है और उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक. और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करके उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जोइक का मतलब एनिमल. तो जो एनिमल्स अपना फूजर, अपना जो फूड मटेरियल है उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है कंप्लीटली, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, फंजाई है और एनिमल्स है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेटरोट्रॉफिक यानी कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन हेटरो ऑटोट्रॉफ. यानी कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. और इनको जो है वो कॉमनली कंज्यूमर्स के नाम से भी हम जानते हैं. अगर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो जैसे प्लांट्स ने क्या किया, फूड को सिंथेसाइज कर लिया, एनिमल्स में जो है वो प्लांट्स को
ईट करके ऑटोट्रॉफ या किसी भी तरीके से किसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू जो है उसने अपना न्यूट्रिशन दिया, लेकिन ऐसा तो है ना कि हर टाइम पे उनको एनर्जी मिलने के लिए जो है वो फूड चाहिए होगा। तो होता क्या है कि कभी कभी जो है वो फूड सप्लाई नहीं मिल पाने की वजह से आपको एनर्जी चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम फूड को रिजर्व करते हैं। तो प्लांट्स के केस में जैसे है लीफ है, ग्रीन पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी परफॉर्म हो, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है तो वहाँ पे सारी लीफ जो है वो फॉल डाउन हो जाती है, सारी की सारी लीफ जो है वो पेड़ से झड़ जाएगी, तो इस टाइम में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो ऐसे टाइम में प्लांट सर्वाइव करता है नहीं, प्लांट्स क्या करते हैं अपने लिए रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं, वो रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स के केस में है स्टार्च। ठीक है, वो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है स्टार्च, और एनिमल के केस में वो रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन। तो जब कभी आपको एनर्जी चाहिए होती है एनिमल्स के केस में, ये ग्लाइकोजन ब्रेक होता है ग्लूकोज में और उस ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी ली जाती है, और प्लांट्स के केस में जब भी एनर्जी चाहिए होता होगा उस एनर्जी के लिए स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है, स्टार्च जो है वो ब्रेक होगा ग्लूकोज में और उस ग्लूकोज से जो है वो एनर्जी ली जाएगी। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है कि जब आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उस अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए जो फूड प्रेजेंट है उसी फूड को हम बोलते हैं रिजर्व फूड। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है वो तीन स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी कि अब ये जो लाइट एनर्जी कंजर्व किया गया है, लाइट एनर्जी जो हमने कैप्चर किया उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर क्या होगा स्प्लिट होगा, यानी कि ये जो वाटर स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब क्या होता है सनलाइट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, तो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इस वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकलते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो थर्ड स्टेप क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके हम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में क्या है 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज C6H12O6। 6 O2 जो है मॉलिक्यूल एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे और 6 वाटर का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ये जो स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, ये स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शन जो है वो कभी कभी जो है वो कंप्लीट होती है, कभी कभी ये जो है वो स्टेप वाइज जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली नहीं होती है। जैसे कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टोमेटा ओपन होने चाहिए, लेकिन स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डे टाइम में ओपन नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डे टाइम में हो रहा होगा, लेकिन डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस है, तो यहाँ पे क्या है कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं, तो क्या होगा ये रात में स्टोमेटा ओपन होता है, तो रात में ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। तो जब दिन होता है तो ये ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ब्रेक होता है, और ऑक्सैलिक एसिड ब्रेक होकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्ट कर जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो अगर हम किसी लीफ को कट करते हैं, उसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो उस माइक्रोस्कोप में हमको कुछ ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और ये ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यदि हम लीफ की स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है वो हमारा एक डाइकॉट लीफ है। इस डाइकॉट लीफ में हम देखें अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी सेल्स प्रेजेंट होती है उसको हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, और इन सेल्स में देखिए यहाँ पे हमको ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और यही ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करती है क्लोरोप्लास्ट को, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी कि ये आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस। यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि अगर कॉइन के ऊपर कॉइन रख दिया जाए तो ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे हमको डायग्राम में मिल रहा है, और इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राना। और ग्राना की जो यूनिट होनी, यानी कि जो सिक्कों का ढेर है, ठीक है, उस सिक्कों में से एक सिक्का
एक क्वाइट, एक ग्राना की जो यूनिट होती है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हाइवे क्वाइट। यानी कि अगर हम सिक्कों के ऊपर सिक्के रखते चले जाए तो एक जो सिंगल क्वाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थाइगर क्वाइट को। उसी तरीके का कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं क्वाइंस के ऊपर, मतलब थाइलैक क्वाइट यूनिट आपस में एक स्टाफ का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इस स्टाफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं ग्राना। और इसकी जो यूनिट है ग्राना की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, थाइलेक क्वाइट। और इन्हीं थाइलेक क्वाइट में जो है वो ल्यूमेन में क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो थाइलेक्वाइट ल्यूमेन देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्टाफ देखने को मिल रहा है 1 2 3। इसी तरीके से कई ढेर सारे जो है वो थाइलेक्वाइट एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं और इस तरीके से जो है वो ग्राना का फॉर्मेशन होता है। थाइलेक्वाइट आपस में जो है वो स्ट्रोमल लैमेला की हेल्प से जो है वो अटैच रहती है। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो लाइट रिएक्शन हो रही होती है वो ग्राना में हो रही होती है, ग्राना के थाइलेक्वाइट ल्यूमेन में। और जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन हमारा जो है वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। तो सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो है वो जो प्लांट्स में प्लास्टिक प्रेजेंट होता है वो ग्रीन कलर का है क्लोरोफिल की प्रेजेंस से, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइट आर राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। और ये थाइलेक्वाइट आपस में अटैच होकर के क्या बनते हैं, देन स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइट। यानी कि थाइलेक्वाइट का जो स्टैक होता है उस स्टैक आपको बोलते हैं ग्राना। यानी कि एक थाइलेक्वाइट के ऊपर दूसरा थाइलेक्वाइट, यानी कि क्वाइन के ऊपर क्वाइन, इस तरीके का एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं थाइलेक्वाइट का स्ट्रक्चर, उसको ग्राना बोलते हैं। थाइलेक्वाइट का जो स्टैक होता है उसको हम ग्राना बोलते हैं। मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप्स द लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी ट्रैप होती है उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है वो दो टाइप की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है हमारा डार्क रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है ये डे टाइम में होती है, इट अकर्स इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। और यहाँ पे लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी। यहाँ पे जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस हमारा क्या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है इसीलिए इसको बोल रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और इसके प्रेजेंस में जो है वो वाटर ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या फिर वाटर से आता है, तो आपका आंसर होगा वाटर से। और प्रोसेस क्या है, लाइट रिएक्शन, और जो लाइट रिएक्शन में प्रोसेस यूज हो रहा है दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन जो है वो हमारा ग्राना में हो रही है, लाइट रिएक्शन जो है वो हमारा ग्राना में हो रही है। और इसको याद रखने के लिए हम कर सकते हैं एल जी, L for light reaction, G for ग्राना। लाइट गुड मत याद रखिएगा, आज से LG का फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइट रिएक्शन इन ग्राना। ठीक, तो डार्क रिएक्शन जो है वो, डार्क रिएक्शन जो है वो थाइलेक्वाइट के मैट्रिक्स में होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लेकिन ये जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो है ATP और NADPH। तो स्ट्रोमा में जो है वो डार्क रिएक्शन चल रही है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसको हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, ना कि ये जो प्रोसेस है रात में हो रहा है, ये प्रोसेस भी जो है वो डे टाइम में होगा। क्योंकि यहाँ पे लाइट का कोई भी रोल नहीं है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बस डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। फिर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में अगर बात किया जाए, तो स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स के जनरली लोअर सरफेस पर जो है वो सबसे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा में जो है वो दो किडनी शेप जो है वो गार्ड से प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमेटा यानी कि ओपनिंग लीफ में जो ओपनिंग होती है, जो पोर होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो उस स्टोमेटा को गार्ड करने के लिए, उस स्टोमेटा के लिए जो है वो आपके स्टोमेटा को गार्ड करने के लिए दो गार्ड सेल, किडनी सेल जो है वो दो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। और इन गार्ड सेल की कंसेंट्रेशन के ऊपर जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो
डिपेंड करती है। तो इन गार्ड सेल में जब वाटर आएगा तो गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा, जब गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगी। जब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स है, इन सब्सिडियरी सेल से क्या होता है, वाटर इस गार्ड सेल में एंटर करता है। और जब गार्ड सेल में वाटर एंटर करेगा तो गार्ड सेल की जो वैक्यूल्स है उन वैक्यूल्स में वाटर फिल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी वॉल पे प्रेशर पड़ेगा और ये वॉल जो है वो बाहर की ओर पुल हो जाएगी। तो जब ये वॉल बाहर की ओर पुल होगी तो इसकी जो इनर वॉल है उसको भी बाहर की ओर खींच लिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा, जब यहाँ से वाटर क्या होगा रिमूव होगा, तो इस गार्ड सेल का जो है वो साइज डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से वॉल्स जो है वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगे, स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जो है वो गार्ड सेल का कंसंट्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो गॉड सेल वेन स्टोमेटल पोर आर ओपन, गैसियस एक्सचेंज, जब स्टोमेटल पोर ओपन होगा तो गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आएगा और वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, टाइनी ओपनिंग होती है जो कि लीफ की सर्फेस पे प्रेजेंट होती है। वेन वाटर इंक्लूड इन द गॉड सेल स्टोमेटा पोर ओपन, यानी कि गॉड सेल में वाटर के कंसंट्रेशन पे जो है वो हम देखते हैं स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग देखने को मिल रही है। वेन गॉड सेल सिंक्स, यानी कि जब वाटर रिमूव हो जाएगा गॉड सेल से तो गॉड सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी एंड स्टोमेटा बिकम क्लोज, और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। When stomatal pore are open, जब stomatal pore open होगा तो gaseous exchange होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होगा जिसकी हेल्प से जो है वो वाटर लॉस होता है। When plants does not need carbon dioxide, जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर दिया जाता है। तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को अगर बोला जाए तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गॉड सेल की कंसेंट्रेशन पर जो है वो डिपेंड करता है। तो प्लांट को जो है चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो रिएक्शन होता है उसमें आता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या है, C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में चाहिए होगा वाटर, तो ये वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू, रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और जाइलम और फ्लोएम्स के थ्रू जो है ये वाटर जो है लीव्स तक पहुंच जाता है। तो कभी कभी रूट्स जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो रूट के साथ जो है वो नाइट्रोजन जैसे कुछ एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस भी जो है वो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट जो है वो वाटर के साथ जो है वो डिसॉल्व होकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कभी कभी कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, जो कि लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर सिंपली वे में समझा जाए तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा रूट्स के थ्रू, और जाइलम के थ्रू जो है वो लीफ तक जो है वो पहुंच जाएगा, और लीफ में स्टोमेटा होगा और लीफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो वाटर, एक्सेस वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम देख रहे हैं कि वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, जाइलम के थ्रू जो है वो लीफ तक पहुंच रहा है। स्टोमेटा जब ओपन हो रहे हैं तो स्टोमेटा से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज हो रहा है। तो स्टोमेटल पोर ओपनिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। डे टाइम में क्या है, जब वाटर जाएगा लाइट रिएक्शन में तो वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और एटीपी और एनएडीपीएच जो बने हैं वो आपके डार्क रिएक्शन में एंटर कर जाएंगे, और जब ये डार्क रिएक्शन में एंटर कर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से जो है वो हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम फूड का सिंथेसिस करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है।